अभी सुबह ही किसी को मैसेज भेजा कि मैं बोला सब कुछ है दोस्त मेरे पास, समय नहीं है। इनको एक घंटे पहले मैं अहमद को बोला, अहमद बोल दे समय नहीं है हमारे हाथ में, क्या करें। पर देखिए सर बस, लेकिन अब आप फैमिली के लिए टाइम निकाल रहे हैं। जी होटल के प्रमोशन खत्म होने के बाद मैं गया, दो महीने के एटलीस्ट छुट्टी लूंगा क्योंकि अति आवश्यक है। और अब मैं काम थोड़ा चुनिंदा करूंगा, साल में 3 ही प्रोजेक्ट करूंगा ऐसा सोचा है। कलाकार के लिए रेस्ट बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है रेस्ट। पढ़ाई, घूमना, भोजन, दुनिया देखना, लोगों से मिलना, अपने रूट्स में वापस बार बार जाना। मालदीव जाना? नहीं, रूट्स में अपने। मैं हूँ, लेकिन 60% कलाकार हूँ, 40% पत्रकार हूँ। जी वो जाना सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए है। मालदीव कहीं भी? यस। आप लक्षद्वीप जाएंगे? आप बिल्कुल जाऊंगा लक्षद्वीप। मैं तो भारत टूरिज्म का पुराना ब्रांड एम्बेसडर हूँ। मैं बच्चों को बोलता हूँ इस देश को देखो, ये देश में घूमना देखना आपके जीवन को बदल सकता है। दुनिया घूमते हैं आप, जब आप जाते हैं ना तो आपको लगता होगा कि मैं इंडिया से आया हूँ, भारत से आया हूँ। मैं जो चमक आती होगी दूसरों को देख, दूसरे जो देखते होंगे आपको, जब सर वहाँ दुनिया हिंदुस्तान के बाहर कोई दक्षिण भारत का भी मिले तो अपना ही लगता है। दिल्ली में वो गोपालगंज का मिला, कटिया का बोला मैं गोपालगंज का हूँ तो अपना लगा, बॉम्बे में बिहार का कोई अपना लगने लगता है। मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि जो अभी 10 सालों में, हाँ वो 10 सालों में भारत की ख्याति दुनिया में बढ़ी है, बहुत अच्छा लगता है। हम लोग अब जहाँ घूमते हैं देखते हैं, हालांकि मैं तो कम ही जाता हूँ बाहर शूटिंग के सिलसिले में, घूमने तो कभी गया। देखिए आपकी सारी टीम के लोग पीछे मुझे देख, हाँ क्योंकि इनके आज 6-7 इंटरव्यू हैं। 6-7 इंटरव्यू, हाँ हमें और भी। अच्छा कुछ ऐसा खास बताते जाइए भैया जी को, आप भी भैया जी हैं। हाँ आप भैया जी, आप ओरिजिनल वाले हैं? नहीं ओरिजिनल वाले हैं।